से हमारे पल्ली के लिए खुशी और धन्यवाद का दिन है। माता मरियम के साथ हम इन्हीं शब्दों में इस दर्शन की ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ हमारे पुरोहित भाइयों के साथ उनकी जीव जीवन की यात्रा की याद करने, जश्न मनाने और धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे प्यारे यीशु मसीह के चार ऐसे अनुयायी हैं, फादर क्लिफर्ड लोबो, फादर क्लॉडियस अल्मेडा, फादर ऑलविन मोरस और फादर विल्फ्रेड मोरस, जो अपने पुरोहिताई के 25 साल के साक्षी हैं। हाँ प्रिय पुरोहित भाइयों, 25 साल पहले आपने मसीह का पालन करने और अपने आप को ईश्वर और मानवता की सेवा में जुटाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आज ये यह सब उस आज्ञाकारिता के बारे में है जो वचन आपने दिया था ईश्वर को 25 साल पहले। जैसे कि आपने पिछले साल 25 वर्षों में हुए सभी कार्यों को बनाने के लिए आप यहाँ पर लौटे हैं। ये जुबली पीछे देखने और आगे देखने का समय है, लेकिन इसके ग्रंथ में आप जुबली की भावनाओं को देखते हैं, जो पिछली घटनाओं को आपात स्मरण के अवसर के रूप में है। प्राप्त किए हुए दानों के लिए आनंदित होना और भगवान की आस्था की मान्यता। प्रिय पुरोहित भाइयों, 25 साल की यात्रा केवल दिनों और वर्षों की एक दादों के माध्यम से यात्रा नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा एक रिश्ते के रूप में ईश्वर के साथ और मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ एक रिश्ता, रहस्य और विकास के रूप में जुड़ी हुई बातें हैं। आज के इस विशेष दिन में हमारे चारों फादर के लिए हम पल्लीवासी मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो अपना रजत महोत्सव मना रहे हैं। ईश्वर अपनी आशीष उनके ऊपर हमेशा बरसाए तथा उनके हर कार्य में मदद करें। हमारे प्रिय पुरोहित भाइयों के रजत महोत्सव, पुरोहिताई के रजत महोत्सव के संदर्भ पर यहाँ पे उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों को, सभी धर्म बहनों को और सभी पल्लीवासियों को इस मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूँ। अभी मैं फादर क्लिफर्ड लोगो से निवेदन करता हूँ, वो हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम करें, ताकि हम सब
इसमें सब ज्ञान को योग्य रीति से चढ़ा सके। आप सब मिलकर बोले I'm gonna be a man.
ऊपर की ओर चल दिया ताकि वह जीव के उधर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद का अभिषेक रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव के सौर को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन पर गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है, मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अभिषेक को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और सौल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। न किसी ने यह सब देखा, न किसी को उसका पता चला और न कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है, नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाओ। प्रभु हर कोई को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। यह प्रभु की वाणी है।
और पुरोहित भाई अभिषेक का रजत जयंती मनाने का यह मौका या अवसर उससे भी बड़ा एक वरदान है। यह एक साधारण समारोह नहीं है, यह एक भव्य दिव्य और धार्मिक समारोह है। यह समय है कि बीते 25 वर्षों का स्मरण और आने वाले वर्षों के लिए एक सपना देखने का समय है। यह एक समय आश्चर्य और प्रशंसा करने का समय है। यह एक समय ईश्वर को धन्यवाद देने का और उसे प्रभु से प्रार्थना करने का। मैं समझता हूं कि आज मेरे यह जान पुरोहित भाई अपने पुरोहित भाई अभिषेक का रजत जयंती यहां पर हमारे समक्ष मना रहे हैं और उनकी खुशी में सम्मिलित होने के लिए इस मधु संध्या के समय हम यहां सब यहां पर उनके साथ हैं। और इस वक्त और इस समय इस पावन वेला में ये हमारे पुरोहित भाई मन ही मन अपने बीते दिनों को स्मरण कर रहे होंगे। पुरोहित अभिषेक वो घड़ी वो दिन जब उन्होंने एक महीना मनाया या एक साल बिताया अब इस प्रकार आज वे अपने 25 साल या 25 वर्ष समाप्त कर अपनी पुरोहित अभिषेक के रजत जयंती मना रहे हैं। और ये पिछले 25 सालों में जब वो अपने सफर को स्मरण करेंगे कई ऐसे पल होंगे कई ऐसी घड़ियां या समय व क्षण होंगे जहां उन्होंने कष्ट परेशानियों का या मुसीबतों का समय बिताया होगा। और उस समय उनके साथ कौन थे? आज हम सब उनके दोस्त उनके प्रियजन पल्लीवासी आज यहां पर हैं। और इसी प्रकार जब उनका अभिषेक हुआ था उस दिन भी उनके साथ तमाम लोग थे होंगे, लेकिन उन कठिनाइयों का मुसीबतों का परेशानियों का समय उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु क्रिस्त उनके साथ थे क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको चुना। और यहां पर यह आपके सामने लिखा हुआ है मैंने तुम्हें चुना है। जब प्रभु ने उन्हें चुना है तो प्रभु कभी उनको अकेले नहीं छोड़ते। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ये विद्वान ये पढ़े लिखे हमारे चार पुरोहित अगर पुरोहित नहीं होते आज उनके उनके क्षेत्र में समाज में बड़े स्थान मान के जगह पर वो बैठे होते हैं। लेकिन ईश्वर ने प्रभु ने उनको चुना प्रभु ने उन्हें बुलाया और यह वरदान आज हमें मिला उनका साथ देने का उनके साथ बैठने का
उनके साथ का समारोह मनाने का। पच्चीस साल वो पहले ऑर्डिनेशन का पुरोहित अभिषेक का दिन बिशप ने स्वामी जी ने उनके हाथ पकड़ करके यह प्रश्न उनसे पूछा होगा जो हम सारे सारे पुरोहित जानते हैं। उनसे तीन प्रश्न पूछे गए थे और उस समय इन चारों पुरोहितों ने स्वामी जी के हाथ पे हाथ मिला करके उन्होंने वचन दिया और उत्तर दिया। उसी वक्त उसी प्रभु यीशु ने प्रभु कृष्ण ने उनसे यह प्रश्न पूछा। क्लिफर्ड क्लिफर्ड क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? क्लॉडियस क्लॉडियस क्या इनकी अपेक्षा क्या मुझसे अधिक प्यार करते हो? विल्फ्रेड विल्फ्रेड क्या इसकी अपेक्षा क्या मुझसे आप ज्यादा प्यार करते हो? ऑलविन ऑलविन क्या इनकी अपेक्षा तुमसे अधिक प्यार करते हो? यानी कि समाज को देखते संसार को देखते संसार के दो माय को देखते बड़ी भीड़ को देखते संसार के कार्यकलापों को देखते प्रभु ने उनसे यह प्रश्न पूछा। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु कृष्ण पैतृस से यह प्रश्न पूछते हैं सिमोन योहन के पुत्र कैन की अपेक्षा तो मुझे अधिक प्यार करते हो? एक बार नहीं दूसरी बार नहीं तीन बार यानी कि तीसरी बार वो पूछते हैं और उनका जवाब जी हां प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। इन पुरोहितों ने भी यही जवाब दिया था कि 10-11 साल सेवा जीवन के जरिए अपना जीवन
के समान बनाना है। इसीलिए संत मती के सुसमाचार अध्याय 26 पद के 26 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपनी प्यार में रोटी लेकर के वो कहते हैं, लो खाओ, यह है मेरा शरीर। तुम्हारे लिए बांटा गया है, लो पियो, यह है मेरा रक्त। और अपने जीवन में यह किया करो। एक पुरोहित अपने पुरोहित का जीवन में ईश्वर के और लोगों की सेवा करते हुए वही प्रभु यीशु क्राइस्ट को अपने जीवन में उतारते हैं और एक दूसरे से उसे बांटते हैं। हम यह स्मरण करें संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए वो कहते हैं अध्याय 2:20 में, मैं प्रभु क्राइस्ट के साथ क्रूसित हुआ हूं, यह मैं नहीं बल्कि प्रभु क्राइस्ट मुझ में जीवित है और मैं उसमें जीवित हूं। संत मदर तेरेसा जब वो अमेरिका गई थी, वहां पर अमेरिका में धन समाज के बड़े बड़े अधिकारी प्रोविंशियल जनरल्स आए हुए थे और उनको संबोधित करके वो संबोधन कर रही थी। और उसके बाद मदर तेरेसा ने उनसे पूछा, अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। उनमें से एक सिस्टर धर्म बहन खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, मदर हमारे धर्म समाज में आज कहीं सिस्टर्स छोड़ करके चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप अपने सिस्टर लोगों को कैसे संभाल रहे हैं? उन्होंने उनसे कहा, मैं उनको क्राइस्ट प्रभु मसीह को देती हूं। वो तो सही है मदर, हम जानते हैं कि हमारे धर्म समाज में आज सिस्टर बनने के लिए नहीं आते हैं, उसका कारण क्या है? मदर उनसे फिर कहती है, मैं उनको क्राइस्ट यानी कि प्रभु को देती हूं। हम जानते हैं मदर ये सब ठीक है, फिर हमारे साथ काम करने के लिए सेवा करने के लिए लोग आजकल आ नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है? मदर फिर उनसे कहती है, मैं उनको क्राइस्ट प्रभु मसीह को देती हूं। प्यारे भाइयों बहनों, यही है हमारे चार पुरोहितों के पिछले 25 साल का जवाब कि वो पिछले 25 सालों से वो प्रभु को ना केवल ग्रहण करते आ रहे हैं बल्कि प्रभु को एक दूसरे से बांटते आ रहे हैं। रोज विश्व बलिदान यहां पर चढ़ाया जाता है। विश्व बलिदान एक पुरोहित का जीवन है और एक पुरोहित का जीवन विश्व बलिदान ही बन जाता है, एक निरंतर विश्व बलिदान बन जाता है। प्रभु यीशु क्राइस्ट पुरोहित के जीवन में प्रतिबिंबित होता है और लोग पुरोहित के जीवन में उसी प्रभु मसीह को देखते हैं। एक बार एक नौजवान रेलवे स्टेशन पर फल बेच रहा था ठेले पे, एक दूसरा व्यक्ति दौड़ करके ट्रेन पकड़ने
देखता रहा और इस नौजवान हालत देखकर फल सब बिखरे हुए हैं आ जाता है और मदद कर एक एक फल उठा उठा करके उनको दे देता है, टेलर पर रख देता है। वो नौजवान लड़का उस आदमी से पूछता है, क्या आप प्रभु हैं? और तब वो आदमी कहता है, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं प्रभु बनने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इन पुरोहितों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि वो प्रतिबिंबित प्रभु यीशु क्राइस्ट उनके जीवन में है और उनके जीवन के जरिए हम उनको देखते हैं। हम भी कोशिश करें कि प्रभु बनने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के पाप क्षमा करने के लिए, और इस प्रकार हम अपना जीवन यापन करें। विशेषकर आज जब हम ये पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस महान वरदान के लिए। उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लखनऊ प्रांत के, लखनऊ धर्म प्रांत के सभी पुरोहित पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें। सेवा समाप्त कर रिटायर हुए हमारे पुरोहित भाई जो क्लर्जी होम में है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि सबको प्रभु सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, नित्य निरंतर वो प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु को एक दूसरे से बांट सके, कष्ट परेशानी मुसीबतों से प्रभु उनको बचाए रखे, पाप कला कलेशों से प्रभु उनको बचा के रखे। मां मरियम जो पुरोहित की मां है, हमेशा पुरोहित उनके संरक्षण में रहे, और पुरोहितों का संरक्षक संत जो मेरी बहन ने हमारी समय इन्हें सक्रिय रखें।
जिससे उनका विश्वास व अनुभव कलीसिया को नया आकार देने में मददगार हो और ये प्रभु के प्रेम के गतिशील प्रवाह बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने इन पुरोहितों के परिजनों सके संबंधियों और शुभ चिंतकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। इनके महान बलिदान के लिए स्वर्गीय पिता इन्हें अपने प्रेम और दया से अनुग्रहित करें। ईश्वरी आशीष एवं कृपाओं से सदा इनका जीवन सुशोभित रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विश्व के नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए प्रार्थना करें। तनाव और संघर्ष को हल करने के लिए अहिंसक तरीके खोजने में इनकी मदद कर। यह सभी की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। दुनिया में एकता स्थापित करने के लिए प्रभु इन्हें सदा प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव की सफलता विशेषकर हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक ऐसा शासक प्रदान करें जो सत्ता के बहकावे में ना आकर या अहंकार में अंधा ना हो, जो अपने पदों की गरिमा का दूरदृष्टि के साथ उपयोग करे, विभाजन नहीं समानता की नीति को अपनाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों के लिए विशेषकर हमारे पंडित पुरोहित सदर प्राय तथा संत पौल गुरुकुल के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और प्रभु तेरा साथ पाकर कलीसिया को आगे बढ़ाने के इनके कर्मठ प्रयास सदा सफल रहे। इनकी अगुवाई में अध्ययनरत ब्रदर्स को उनकी बुलाहट में एक सुदृढ़ नींव मिले। वे पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति तथा दुनिया में मसीह के गवाह बनकर सबके लिए पवित्रता का संकेत, विश्वास, नम्रता और ज्ञान की रोशनी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम संत पौल पल्ली परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का वचन हमारे आंतरिक अस्तित्व में समाकर हमारे दिलों को भर दे। सभी पल्लीवासी ईश्वर के प्रतिनिधि इन पुरोहितों की उदारता के माध्यम से ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। हमारी पल्ली के बीमार, दुखी और कोविड में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों को प्रभु अपने प्रेम से स्पर्श करें। वृद्ध विश्वासी अपने परिश्रम का प्रतिफल पाए। युवा और बच्चे प्रभु में अपना साथी ढूंढे। हम इसके लिए प्रार्थना करें। अपने लिए अपने परिजनों के लिए जो भी हम मांगना चाहते हैं विश्वास के साथ हम सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें साधारण से असाधारण एवं उच्चतम जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पुत्र का अनुसरण करते हुए लोगों को प्रेम और क्षमा प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
तूने हमें अयोग्य सेवकों को सौंपा है, तेरी कृपा से हम उसे पूरा कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
सभी को मैं अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उत्पाद को पवित्र आत्मा की शक्ति से मुक्त कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग रिश्ता समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम साथ इसे लो, इसे खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्रों पुत्रियों को
वे जहां कहीं भी हो अपने साथ आएं। हमारे व्रत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
नाम की महिमा के लिए हमने पुरोहित अभिषेक की रजत जयंती पर विश्वास के संस्कार सानंद अर्पित किया है। हम इस बलि को प्रतिरूप बलि के प्रतिरूप बन जाए जिसे हमने अभी संस्कार में चढ़ाया है। यह वर दें तुम्हारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। सभी पुरोहित भाइयों की ओर से, सभी धर्म बहनों की ओर से और सभी पल्लीवासियों की ओर से फादर क्लिफर्ड लोबो, फादर क्लॉडियस अल्मेडा, फादर विल्फ्रेड मॉरस और फादर ऑलविन मॉरस को अपनी पुरोहिताई के जीवन की रजत जयंती पर, रजत जुबली पर, सिल्वर जुबली पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईशा पिता ईश्वर उनको लंबी आयु दे और उनको अपने पुरोहिताई जीवन में हर खुशियों से भर दे और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, यही हम सबकी प्रार्थना है फादर्स के लिए। फादर्स की सिल्वर जुबली मनाने के लिए आपने बहुत सारी मदद की है मुझे, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सेमिनरी के रेक्टर फादर डेनिस नरेश लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी हर सहायता के लिए। उन्होंने ब्रदर्स को आज के क्वायर में भाग लेने के लिए, गिरिजाघर की सजावट करने के लिए, गिरिजाघर की सफाई करने के लिए और आज के जो कॉन्सर्ट में जो हिस्सा के भाग होगा उसमें भाग लेने के लिए अनुमति दी है। फादर आपको धन्यवाद। मैं फादर अनुरा सेमिनरी के वाइस रेक्टर को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हर इस प्रोग्राम को अच्छी तरह सफल बनाने में हर तरह की मदद की है। मैं फादर लैंसी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये सिल्वर जुबली बनाने के लिए हर तरफ से हर तरह मेरी मदद की है। मैं फादर क्लिफर्ड लोगों को आज के प्रीति भोज को स्पॉन्सर करने के लिए, जो कॉन्सर्ट के बाद आप सबको प्रीति भोज होगा वो स्पॉन्सर फादर क्लिफर्ड ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे पैरिश के धर्म बहनों को ओएलपी कॉम्बिनेशन के सिस्टर सुपीरियर और कम्युनिटी ने बहुत मेहनत किए आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस विश्व बलिदान में उन्होंने बच्चों को डांस सिखाया और कॉन्सर्ट में भी उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके छोटे बच्चों को डांस सिखाया और एक महीने से लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे पैरिश के उनकी हर सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी पल्लीवासियों के लिए आपके कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके कंट्रीब्यूशन के द्वारा आज के मिस्सा के बाद फादर लोगों के आदर में केक और कॉफी का इंतजाम किया है। फादर्स लोगों को विश करने के लिए हॉल में अनेक सारे शॉल और अनेक सारे गिफ्ट्स का इंतजाम किया है, फूलों का इंतजाम किया है, ये सब आपके कंट्रीब्यूशन के द्वारा हुआ है। मैं आप सभी पल्लीवासियों को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मिस्सा के तुरंत बाद बस 15 मिनट का ब्रेक होगा। 7 बजे स्कूल हॉल में ऑडिटोरियम में फादर्स को बधाई देने का प्रोग्राम होगा और तुरंत मिस्सा के तुरंत बाद जैसे आप सामने के दरवाजे से बाहर जाएंगे आपको ब्रदर्स केक बांटेंगे और उसके बाद आप फोटो के पास जाके कॉफी पी लीजिएगा, उसके बाद तुरंत बाद हॉल में आपको जाना है। इस हफ्ते में सोमवार और मंगलवार के दिन शाम को 5:30 बजे मिस्सा होगा और 6 बजे से 7 बजे तक चुनाव के लिए एडोरेशन होगा, आराधना होगी। इसलिए चुनाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो चुनाव बुधवार को होने वाला है और इसलिए हमने 6 से 7 बजे तक हमारे दर्पाध्यक्ष ने भी हमसे कहा है कि हर पल्ली में एडोरेशन होना है, इसलिए 6 से 7 तक सोमवार और मंगलवार के दिन एडोरेशन होगा और उसके पहले 5:30 बजे मिस्सा होगा, सुबह मिस्सा नहीं होगा। बुधवार के दिन भी शाम को 5:30 बजे मिस्सा बलिदान होगा।
बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे मिस्सा बलिदान होगा। अगले शनिवार को शाम को 5:30 बजे मिस्सा बलिदान होगा। अगले इतवार के दिन 8:15 बजे रोजरी होगी और 9 बजे मिस्सा बलिदान होगा। पिछले इतवार होली चाइल्ड संडे था, उस दिन का चढ़ावा 2,870 आपकी उदारता के लिए ईश्वर आपको आशीष दे। अगले संडे हम अपने पैरिश में होली चाइल्डहुड दिवस मनाएंगे, इसलिए सभी आप लोग बड़ी संख्या में इसमें भाग ले और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आप लेके आए और आप सब लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कष्ट करें।